वर्तमान काल में जैन धर्म के लिए, जैन धर्म परंपरा को मानने वाले लोगों के लिए सर्वाधिक आवश्यक अगर कोई कर्तव्य है तो वह साधर्मिक उत्थान को लेकर के है। अपनी परंपरा में साधर्मिक वात्सल्य का सिद्धांत, एक साधर्मिक का दूसरे साधर्मिक के प्रति कर्तव्य, एक साधर्मिक अपने दूसरे साधर्मिक को किस प्रकार से समान धर्मा बनाए रखे, समान धर्मा बनाने के लिए समान रूप से उसको, उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखना, यह साधर्मिक का पहला कर्तव्य है। ज्यों ज्यों हम अपने साधर्मिक वात्सल्य के, साधर्मिक भक्ति के कृत्य को भूले हैं, त्यों त्यों हमने धर्म की दृष्टि से, धर्म संगठन की दृष्टि से बहुत नुकसान पाया है। तीर्थंकर श्रमण भगवान श्री महावीर स्वामी जी के 2550वें निर्वाण वर्ष के उपलक्ष्य में मैं आज यही कहना चाहूंगा, अपने जैन समाज की स्थिति को देखते हुए सबसे ज्यादा आवश्यक अगर कोई काम है तो वह साधर्मिक वात्सल्य का है, साधर्मिक भक्ति का है, साधर्मिक उत्कर्ष का है। इसी माध्यम से हम एक साधारण साधर्मिक को अपने जैसा बना सकते हैं, बनाएं। इसी से ही धर्म में व्यक्ति दृढ़ होगा, धर्म में व्यक्ति की आस्था बढ़ेगी। इसीलिए साधर्मिक वात्सल्य इस वर्ष, वैसे तो जिंदगी भर के लिए कहना चाहता हूं, एक अपना कर्तव्य बना लो, धर्म कर्तव्य बना लो कि बस हमको साधर्मिकों के उत्थान के लिए अवश्य में हर रोज कुछ न कुछ करना है, करना है, करना है। चाहे थोड़ा करो मगर हर रोज करो, यही कहना चाहता हूं।